फ्रेंड्स, जो चैप्टर 15 प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो आपके सिलेबस में चल रहा है, उसी चैप्टर के बारे में आगे आपको बताएंगे। पादप वृद्धि एवं परिवर्धन चैप्टर का नाम है, उसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो कल हमने आपको अर्थमेटिक ग्रोथ के बारे में बता दिया था, अंकगणितीय वृद्धि के बारे में कल आपको बताया था, आज हम डिस्कस करेंगे ज्यामितीय वृद्धि के बारे में, ज्यामितीय वृद्धि दर के बारे में। तो जैसा कि आपको बताया है, पहले भी बता दिया गया है ये बातें कि प्राणियों में, चाहे पौधे हों, जंतु हों या सूक्ष्म जीव हों, हर तरह के ऑर्गेनिजम्स में या जीव में जो वृद्धि होती है शुरुआत में बहुत धीमी होती है। ये मैंने आपको बना के ग्रोथ का पैटर्न दिखाया था, जिसमें आपको एस कर्व बना के बताया हुआ है। ये तो प्रारंभ में जो वृद्धि होती है पौधों में या जंतु हों या प्राणियों में धीमी होती है, जिसे लैग फेज से दिखाते हैं। लेकिन बाद में, ये आपको ग्रोथ पैटर्न में बताया था, बाद में जो वृद्धि होती है बहुत तेज़ी के साथ होती है, जिसे लॉग फेज से दिखाते हैं या एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, चर घातन की वृद्धि कहते हैं। लेकिन सीमित पोषक तत्वों की पूर्ति के कारण अंत में वृद्धि कम हो जाती है, ये आपको बताया। इसे लास्ट में जो वृद्धि स्थिर हो जाती है, जिसे स्थिरावस्था कहते हैं, लास्ट में जो आपको बताया गया था ग्रोथ पैटर्न में, वही हम ज्यामितीय वृद्धि को और आगे जो बता दिए उन बातों को छोड़ते हुए और नई बातों को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो अभी आपको यहाँ पे बताया जा रहा है ज्यामितीय वृद्धि दर में क्या होता है। एक कोशिका जब दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित होती है, तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता बनी रहती है। पहली जनक कोशिका जो पुत्री कोशिकाओं में निर्माण करेगी, तो दोनों पुत्री कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होगी, इससे दोनों कोशिकाएँ चार नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती हैं। इस तरह से जो चार कोशिकाएं बनी हैं, उनमें प्रत्येक कोशिका के अंदर नई कोशिकाओं को बनाने की क्षमता होगी। इस तरह से कह सकते हैं हम, प्रत्येक पुत्री कोशिका समसूत्री विभाजन का अनुकरण करती है, समसूत्री विभाजन को फॉलो करती है ज्यामितीय वृद्धि में। वही मैंने आपको यहाँ पर बेटा दिखाया है कि जो जायगोट होते हैं, युग्मनज होते हैं, उनमें ज्यामितीय वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि कैसे होती है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले युग्मनज है, ये युग्मनज में ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाई जा रही है, आगे फिर हो रही है इसी तरीके से, फिर ये ग्रोथ हो रही है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर जब आगे युग्मनज की वृद्धि आगे होती है, तो उसमें अर्थमेटिक ग्रोथ ये दिखाई गई है। कुछ सेल्स में डिवीजन की पावर होती है, सेल्स डिवीजन कर रही हैं, और कुछ सेल्स में डिवीजन की पावर बेटा यहाँ पर नहीं होती है। इस तरह से आप ये देख रहे होंगे, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ बेटा ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट और अर्थमेटिक ग्रोथ युग्मनज में आपको दिखाई गई है। यहाँ पर देख लें अच्छी तरह से, इस डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें बेटा। यहाँ पर आपको जो बातें बता दी हैं, जो सब बातें बता दी गई हैं, लेकिन आगे बताते हैं। जो चरघातांकी वृद्धि होती है, चरघातांकी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है, चरघातांकी वृद्धि होती है, उसको इस तरह से दिखाते हैं, W1=W0ERT। W0 क्या होता है बेटा, यहाँ पर इनिशियल वेट होता है, जैसे कह सकते हैं प्रारंभिक भार होता है, प्रारंभिक भार या प्रारंभिक आकार, आकार कहते हैं, प्रारंभिक आकार हिंदी में प्रारंभिक आकार कहते हैं, प्रारंभिक भार भी कह सकते हैं, इनिशियल साइज। और लास्ट साइज ऐसे कह सकते हैं हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में तो ऐसे कह रहे हैं, लेकिन हिंदी में ऐसे कह सकते हैं प्रारंभिक आकार W0 को, और W कहते हैं आकार, इनिशियल साइज को वेट, लेंथ और सेल नंबर्स कोशिका की संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जबकि W1 को लास्ट साइज अंतिम आकार बताया गया है। यहाँ पर देख लें, R बराबर क्या होता है बेटा, ग्रोथ रेट होती है, T बराबर क्या होता है, टाइम होता है, और यहाँ पर जो E दे रखा है वो क्या होता है, E होता है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। देखिए ध्यान से, हिंदी में ई बराबर जो बताया गया है बेस, प्राकृतिक लघुगणक का आधार कहते हैं, ई बराबर बेस ऑफ नॉलेज को क्या होता है, प्राकृतिक लघुगणक का आधार, टी बराबर टाइम, जिसमें टी बराबर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आर ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वृद्धि दर को दिखा रहा है आर, वृद्धि दर जो वृद्धि दर होती है वो क्या होती है, किसी भी पादप के अंदर बढ़ी हुई पादप सामग्री की क्षमता का मापन किया जाता है, जिसे सापेक्ष वृद्धि दर भी कहते हैं, आर आर ग्रोथ रेट को। इसके अंदर प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स में प्लांट्स मटेरियल्स की
जो प्लांट मटेरियल्स की प्रोडक्ट प्लांट्स के अंदर प्लांट मटेरियल्स के पैदा करने की जो क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है उसका मेजरमेंट होती है आर ग्रोथ रेट, जिसे सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। W1 लास्ट साइज है ये आपको बता दिया है, W0 इनिशियल साइज है, वेट लेंथ और सेल नंबर्स इस तरह से यहाँ पे आपको बेटा बताया। और मैंने इससे पहले जो बातें ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो बातें दो बातें निकल के आती हैं वो आपको पहले भी बताई थी। वो क्या थी कि जो ज्योमेट्रिक है अधिकतर प्राणियों में या जंतु हों या पौधे हों या सूक्ष्म जीव हों सभी में प्रारंभिक वृद्धि धीमी होती है। जो जैसा वैसे ग्राफ मैंने ये आपको पहले बताया हुआ है, ये जो ऐसे करके ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पर जो शुरू में देख रहे हैं यहाँ पर शुरू में जो वृद्धि होती है वो धीमी होती है, ये देख लो अच्छे से अधिकतर प्राणियों में। लेकिन उसके बाद जो वृद्धि होती है वो तेजी के साथ होती है और लास्ट में वृद्धि स्थिर अवस्था में आ जाती है, जिसे ये जो स्थिति है ये क्या कह रही है, लैग फेज, और ये है लॉग फेज। ये वैसे आपको पहले बताया हुआ लेकिन यहाँ पर रिवीजन के लिए दोबारा बता दिया गया है बेटा। इसे कहते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज है ये। इस तरह से ये वृद्धि को यहाँ पर दिखाया गया है, टाइम वेट और साइज या प्लांट ग्रोथ के बीच में ग्राफ खींचते हैं ऐसे देखने की ये बताया हुआ है वैसे आपको, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए दोबारा बता देते हैं, इससे आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी, जल्दी लर्न कर लेंगे आप दो बार बिल्कुल हो जाएगा। साइज वेट बड़ा करके भी दिखा सकते हैं इसे, शुरुआत में तो वृद्धि धीमी होती है लेकिन बाद में तेजी से होती है फिर बाद में स्थिर अवस्था में आ जाती है। तो ये जो ग्राफ ऑप्टिक होता है बेटा कैसा ग्राफ आता है, एस के आकार का ग्राफ आता है, सिग्मोइड ग्राफ आता है, सिग्मोइड ग्राफ ऑप्टिक होता है। इस तरह से आप ये देख लिए होंगे बेटा जो बताया गया आपको। तो ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट के बारे में आपको बताया है और आगे थोड़ी सी बातें और सुन लेंगे। किसी जीवित प्रणाली के अंदर या लिविंग सिस्टम में जो वृद्धि के बीच, जीवित प्रणाली या लिविंग सिस्टम में जो वृद्धि होती है उस वृद्धि और जीवित प्रणाली और जिसे कहते हैं किसी भी जीवित प्रणाली में दिए हुए समय और वृद्धि के बीच में जो दो तरीके से वृद्धि देखी जा सकती है, किसी भी जीवित प्रणाली के अंदर जो वृद्धि देखी जाती है दिए हुए समय पर वो दो तरीके से जीवित ऐसे समझ लें जो किसी भी जीवित प्रणाली में दो किसी भी जीवित प्रणाली में वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना, किसी भी जीवित प्रणाली में वृद्धि के बीच मात्रात्मक तुलना दो तरीके से की जा सकती है। तो पहला होता है जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट, जिसे कहते हैं हिंदी में निरपेक्ष वृद्धि दर। निरपेक्ष वृद्धि दर क्या होती है, निरपेक्ष वृद्धि दर में ये होता है कि अगर मापन तथा वृद्धि के बीच दिए हुए समय पर, मापन और वृद्धि के बीच दिए हुए समय पर अगर तुलना करते हैं कंपेरिजन करते हैं तो जिसे परम वृद्धि दर कहते हैं हिंदी में या एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं। दूसरा जिसे कहते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट, रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या होती है, रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है किसी दी गई जी किसी दी गई प्रणाली के लिए किसी दी गई प्रणाली की प्रति यूनिट समय पर वृद्धि को सामान्य आधार पर प्रकट करना, जिसे प्रारंभिक मापदंड या पैमाइस को सापेक्ष वृद्धि दर कहते हैं। सापेक्ष वृद्धि दर को इस फॉर्मूले से बता सकते हैं, देख लें अच्छे से।
सिस्टम, गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम अपॉन इनिशियल पैरामीटर, इनिशियल पैरामीटर इनटू 100। इस तरह से रिलेटिव ग्रोथ रेट को ऑप्टेन करते हैं, मतलब हिंदी में से कहते हैं सापेक्ष वृद्धि दर को इस तरह से निकाला जाता है। एक गिवन सिस्टम में, दिए हुए गिवन सिस्टम में जो वृद्धि होती है पर यूनिट टाइम में, और इनिशियल पैरामीटर शुरुआत में जो प्रारंभिक मापदंड होते हैं उससे डिवाइड करके 100 को मल्टीप्लाई करके इस तरह से रिलेटिव ग्रोथ रेट को प्राप्त करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ उदाहरण के लिए, यहाँ पर दो पत्तियाँ दिखाई गई हैं बेटा, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ए और बी। ए और बी एक दो लीफ हैं, एक बेटा ये लीफ है जिसे ए लीफ के रूप में इंडिकेट किया गया है, ए लीफ। यहाँ पर जो ग्रोथ होती है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लें शुरुआत में जो ग्रोथ हो रही है जिसे एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट कहते हैं या निरपेक्ष वृद्धि दर कहते हैं, उसे पाँच, वो पत्ती की 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन जो रिलेटिव ग्रोथ रेट है वो बढ़ के कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गई। यहाँ पर दूसरी एक बार पत्ती को उदाहरण से दिखाते हैं, देखो दूसरी पत्ती बेटा दिखाई गई है यहाँ पर, यहाँ पर जो निरपेक्ष वृद्धि दर होती है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, और जबकि सापेक्ष वृद्धि दर होती है उसे 55 सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। इस तरह से यहाँ पर दो पत्तियाँ दिखाई गई हैं। तो बेटा अभी मैंने जो लास्ट में आपको बात बताई मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको लर्न करने में आसानी हो जाएगी। वो ये बात बताई गई किसी भी जीवित प्रणाली के लिए वृद्धि, किसी भी जीवित प्रणाली के लिए वृद्धि के बीच में, जब किसी भी जीवित प्रणाली के लिए वृद्धि और मापन के बीच में जब तुलना करते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। दोबारा सुन लें, किसी जीवित प्रणाली के लिए कि कोई भी जीवित प्रणाली है उसकी प्रति यूनिट समय पर मात्रात्मक तुलना, प्रति यूनिट समय पर जो मात्रात्मक तुलना दो तरीके से की जा सकती है, समझ गया हूँ। तो सबसे पहले आपको बेटा जो बताया था वो क्या बताया था, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट जिसे हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि दर। दूसरी बताई हमने यहाँ पर सापेक्ष वृद्धि दर। दो पत्तियाँ ली गई ए और बी, दो लीफ ली गई हैं ए एंड बी। ए लीफ में देख रहे हैं शुरुआत में जो वृद्धि दर है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लेकिन बाद में बढ़ जाती है, एक वीक के बाद 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाती है प्रति यूनिट समय पर, तो इसे बोलते हैं रिलेटिव ग्रोथ रेट। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से सापेक्ष वृद्धि दर जो होती है वो किस में ज़्यादा होती है, इस वाली पत्ती में ज़्यादा होती है, इसकी तुलना में यह 100% होती है, यह 10% होती है सापेक्ष वृद्धि दर। इस तरह से समझ गए हैं। ओके थैंक यू, अगली क्लास में सॉरी आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टॉपिक तो पूरा हो गया लेकिन अब उससे अगले टॉपिक में चलते हैं। चैप्टर भी चल ही रहा है, वो टॉपिक क्या है बेटा ध्यान से सुनिए। हम यहाँ पर तीन चीजों के बारे में बताएंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएशन,
दूसरा है डी डिफरेंशिएशन, तीसरा है री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को बेटा क्या कहते हैं, विभेदन। दूसरा है विभेदन, विभेदन वी विभेदन। और तीसरा है पुनर्विभेदन। यहाँ पर सबसे पहले बेटा इनके बारे में आप सुन लेंगे, तो मैं जो आपको यहाँ पर तीन चीजें बताने जा रहा हूँ, विभेदन, विभेदन, पुनर्विभेदन। सबसे पहले विभेदन क्या होता है, आप जानते हैं पौधों में प्रत्येक कोशिका में वज्जोतक ऊतक के कारण विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन कुछ समय बाद विभाजन की क्षमता कोशिका की नष्ट हो जाती है, जिससे कोशिका डिफ्रेंशिएट हो जाती है, विभेदित हो जाती है या मेच्योर हो जाती है। जो कोशिकाएँ मूल शीर्षस्थ या तने के शीर्षस्थ से प्राप्त की जाती हैं या कैम्बियम से प्राप्त की जाती हैं, उनमें विभाजन की क्षमता शुरुआत में बनी रहती है, लेकिन बाद में विभाजन की क्षमता उनमें नष्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं डिफरेंशिएशन या विभेदन कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका के जीन द्रव्य में और कोशिका की कोशिका भित्ति में कुछ या ज़्यादा परिवर्तन आते हैं, जैसे ट्रैकेरी एलिमेंट्स, या जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हिंदी में कहते हैं वाहिनिकाएं, तो वाहिनिकाओं में जो परिवर्तन आते हैं वो क्या आते हैं, वाहिनिकाओं में जीव द्रव्य नष्ट हो जाता है, और वाहिनिकाओं में इसके अलावा जीव द्रव्य तो नष्ट हो ही जाता है, इसके अलावा वाहिनिकाओं में सेकेंडरी लिग्नोसेलुलोजिक सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, द्वितीय लिग्निन और सेलुलोज से बनी हुई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। इस तरह से ये आप विभेदित कोशिका में आप पहचान सकते हैं, कोशिका में विभेदन हो गया है, मतलब कोशिका में जो विभाजन की क्षमता है वो नष्ट हो जाती है। अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा, विभेदन क्या होता है। विभेदन ये होता है कि जब कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है, तो कुछ विशेष परिस्थितियों में कोशिका में पुनः विभाजन की क्षमता शुरू हो जाती है, जिसे कहते हैं विभेदन या डी डिफ्रेंसिएशन कहते हैं। जैसे आपको उदाहरण में दे देता हूँ, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। पेरिनकाइमेटस सेल से या मृदूतकीय कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, जिसे अंतराकुलीय एधा या कॉर्क एधा कहते हैं। तो इनके बनने की प्रक्रिया, जो ये सेकेंडरी मेरिस्टेम के उदाहरण हैं, इनके बनने की प्रक्रिया जो होती है वो विभेदन कहलाती है। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे विभेदन क्या होता है, विभेदन क्या होता है, पुनर्विभेदन क्या होता है, इसको सुन ले ध्यान से। पुनर्विभेजन में क्या होता है, जब कोशिका विभाजन की क्षमता, अभी आपको बताया कोशिका ने, सबसे पहले कोशिका ने विभाजन की क्षमता खो दी, बता दिया आपको विभेदन, लेकिन उसके बाद फिर कोशिका के अंदर विभाजन की क्षमता दोबारा विकसित हो जाती है, दोबारा विकसित हो गई। उसके बाद जब एक बार कोशिका के अंदर पहले विभाजन की क्षमता खो गई थी, फिर दोबारा विकसित हो गई, फिर उसके बाद फिर पुनः दोबारा फिर विभाजन की क्षमता कोशिका की नष्ट हो जाती है, जिसे कहते हैं पुनर्विभेदन या रीडिफ्रेंशिएशन कहते हैं। तो पुनर्विभेदन से जो बुढ़ी काष्ठीय द्विबीजपत्री पौधे के अंदर जिन ऊतकों का निर्माण होता है उनके नाम है, जैसे सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, कॉर्क, चौथा सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इस तरह से बेटा ये आपको यहाँ पे बताया गया है।
कि जो पुनर्विभाजन से कौन कौन से द्वितीय गुच्छों का निर्माण होता है। द्वितीय फ्लोएम पोषवाह कहते हैं, सेकेंडरी जाइलम, द्वितीय जो जाइलम होता है कॉर्क और फेलिन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडर्म, ये सब पुनर्विभेदन से फॉर्म होते हैं। किससे बनते हैं? पुनर्विभेदन से बनते हैं। इस तरह से मैंने आपको बेटा विभेदन बता दिया क्या होता है, विभेदन क्या होता है, पुनर्विभेदन क्या होता है, ये आपको बता दिया गया। अब अगले टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन ए प्लांट सेल, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस इन प्लांट सेल, प्लांट सेल में डेवलपमेंट की सीक्वेंस को यहां पर दिखाया जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल में ग्रोथ जो होती है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, जीव द्रव्यी वृद्धि, सेल डिवीजन, यहाँ पर सेल डिवीजन हो रहा है। देखिए आगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ के बाद बेटा फिर आगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद यहाँ पे फिर आगे डिफरेंशिएशन के बाद आगे फिर यहाँ पे ये देखिएगा इलोंगेशन, इलोंगेशन इलॉन्गेशन के बाद फिर आगे मैच्योरेशन, मैच्योरेशन उसके बाद ये मेच्योर सेल, मेच्योर सेल में क्या होता है फिर आगे, मेच्योर सेल में होता है सेनेसेंस, सेनेसेंस उसके बाद डेथ, डेथ उसके बाद, डेथ के बाद इस तरह से आप सेल डिस्ट्रॉयड हो जाती है। डेथ के बाद इस तरह से आप यहाँ पर समझ गए होंगे जो सीक्वेंस अभी आपको बताया, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस, डेवलपमेंट प्रोसेस की सीक्वेंस कैसे होती है पौधे की कोशिकाओं में, वो आपको यहाँ पर दिखाई गई है। सबसे पहले विभाजित कोशिका है देखना, उसके बाद ये जीव द्रव्यी वृद्धि, डिफरेंशिएशन, विभेदन कहते हैं यहाँ पर। पहले विभाजित कोशिका जीव द्रव्यी वृद्धि हो रही है, उसके बाद डिफरेंशिएशन हो रहा है, विभेदन हो रहा है, दीर्घीकरण हो रहा है, मैचुरेशन, परिपक्व अवस्था या परिपक्वता कहते हैं, परिपक्वता, उसके बाद मेच्योर सेल, परिपक्वता, परिपक्व कोशिका है ये, सेनेसेंस, जरावस्था, जरावस्था के बाद कोशिका की डेथ हो जाती है। इस तरह से जो डेवलपमेंट प्रोसेस में हम डिफरेंट सीक्वेंस को देखते हैं या विभिन्न क्रमों को देखते हैं किसी भी पादप कोशिका में विकास के क्रम, हिंदी में आप ऐसे समझ सकते हैं। तो आप देखना अच्छी तरह से इनको ऑब्जर्व कर लें। सबसे पहले बच्चों तक कोशिका जी वृद्धि वृद्धि हुई, विभेदीकरण हुआ, इलॉन्गेशन दीर्घीकरण हुआ, मैचुरेशन परिपक्वता आई, परिपक्व सेल का निर्माण हुआ, जरावस्था, जरावस्था के बाद फिर डेथ, इस तरह से कोशिका नष्ट हो जाती है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा ये क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस की। ओके अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। बेटा टॉपिक है बेटा यहाँ पर प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी इसे हिंदी में कहा जाता है बेटा सुगठ्यता, क्या कहते हैं इसे हिंदी में, सुगठ्यता।
सोगटिता क्या होती है? पौधे, ध्यान से सुनना है, पौधे अपने जीवन काल में वातावरणीय कारकों की वजह से या अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग प्रकार के पाथवे को, अलग अलग प्रकार के मार्ग का अनुसरण करते हैं। या प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे अगेंस्ट एनवायरमेंट एंड स्टेप्स ऑफ डिफरेंट लाइफ, सॉरी स्टेप्स ऑफ लाइफ, लाइफ के चरणों में, या हिंदी हिंदी में समझना पूरी तरह से अच्छे समझ में आ जाएगा आपको हिंदी में, कि जो पौधे होते हैं विभिन्न प्रकार के वातावरणीय और अपने जीवन के विभिन्न चरणों में और वातावरणीय कारकों की वजह से विभिन्न प्रकार के मार्गों का अनुसरण करते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पर कुछ पौधों के बारे में बता देता हूँ। पौधे कौन से हैं? ऑर्कन, ओरिएंटर, लार्ज स्पॉट। यहाँ पे आपको जो बात बताई गई कि पौधे जो होते हैं वो अपने जीवन काल में विभिन्न भिन्न अवस्थाओं में और या फिर वातावरणीय कारकों की वजह से अलग अलग